नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज की स्पेशल चटनी। मोमोज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 5-6 टमाटर लेंगे और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पांच छह सूखी हुई लाल मिर्च लेंगे और एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, लगभग 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया डालेंगे और सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह चला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढककर रख देंगे। इसे गलने तक पका लेंगे। टमाटर गल जाने के बाद गैस को बंद कर देंगे और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे। मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। स्वादिष्ट चटनी को गर्मा गर्म मोमोज के साथ परोसें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।